दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ रितिका और आपके लिए लेके आ गई हूँ एक नया वीडियो। तो अभी मैं हूँ स्वीडन के कार्लस्क्रोना सिटी में और आप देख सकते हैं यहाँ का खूबसूरत स्नोफॉल और आपको बिल्कुल लगेगा नार्निया मूवी का सीन, बट ये कार्लस्क्रोना में स्नोफॉल हुआ है और बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है। विंटर है, बहुत ठंडी है। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरे बेटे के स्कूल का आउटसाइड पार्क है, तो यहाँ पे भी स्नो भरी हुई है। तो आज के वीडियो इसी पे होने वाला है कि यहाँ पे स्नोफॉल कैसा दिखता है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए ताकि नए से नए वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या होने वाला है। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं अपने बेटे को छोड़ ले आई हूँ स्कूल और आप देख सकते हैं कितना सारा स्नोफॉल हुआ है। तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ बहुत ही प्यारे पार्क में और आपको दिखाऊंगी यहाँ का खूबसूरत नज़ारा कार्लस्क्रोना का। दोस्तों, अभी जो एरिया आप देख पा रहे हैं वो कार्लस्क्रोना सेंट्रम है और यहाँ पे मार्केट है अच्छी सी और साथ में आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, प्लस आपको जो स्टेशन है, बस स्टॉप है, सब कुछ यहाँ पे नज़दीक पड़ेगा। और ये जो लाइटिंग देख रहे हैं ये हुई है क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए। तो फ़िलहाल ये सब चीज़ें तो निकल चुकी हैं और ये थोड़े दिन के बाद ये लाइटिंग वगैरह हटा दी जाएगी, बट बहुत ही सुंदर लगा। 1-2 महीने का जो है ड्यूरेशन होता है, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी बर्फ़ पड़ी है, जस्ट सेकेंड टाइम ये है। आप देख सकते हैं हर जगह स्नोफॉल हुआ, एकदम फ्रेश सी बर्फ़ है। तो अभी देखते रहिए मेरी वीडियो में क्या क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्लीज़ मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। तो अभी मैं सड़क को क्रॉस करने वाली हूँ और मेरे अपोजिट साइड में पार्क पड़ रहा है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि गोथेनबर्ग की तरह बहुत सारे पार्क नहीं हैं, मुझे तो लग रहा है बस एक यही पार्क है और एक दो थोड़ी दूर पे हैं। मेरे एरिया में ये सिंगल पार्क है और बड़ा सा है। और ये जो सामने देख पा रहे हैं ये है कार्लस्क्रोना का बस स्टॉप, मेन बस स्टॉप यहाँ पे ही है, यहीं पे सारी बसें रुकती हैं और आपको यहाँ से हर जगह की बस मिल जाएगी। तो अभी हम पहुँच गए पार्क के अंदर और आप यहाँ की खूबसूरती देखिए, काफ़ी बड़ा सा पार्क है, बच्चों के लिए झूले वगैरह मैं सब कुछ दिखाऊँगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसा लग रहा है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं पार्क के अंदर और मैं दिखाने जा रही हूँ आपको कितनी मोटी सी लेयर बर्फ़ की चेयर पे पड़ी हुई है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्नोफॉल यहाँ पे हुआ है और पूरा का पूरा मुझे तो नार्निया का सीन याद आ जा रहा है। उस मूवी में मैंने देखा था ऐसे ही है, बट पहली बार मैं रियल में देख रही हूँ यहाँ पे। बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये बहुत बड़ा पार्क है, आपको मैं सारा एरिया दिखाई दे रही हूँ। ये रेस्टोरेंट है और इधर चेयर पे आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। और साथ ही में आपको ये सामने जो दिख रहा है वो बच्चों के लिए स्लाइड डाउन्स और झूले लगे हुए हैं। तो अभी तो फ़िलहाल सन्नाटा ही फैला हुआ है क्योंकि सुबह के 8:30 बज रहे हैं और बच्चे स्कूल गए हैं, साथ ही शाम को थोड़ी बहुत भीड़ होती है और धूप ना निकलने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे हैं। और ये देखिए कितना सारा लेयर जम गया है, तो अच्छा लग रहा है, ठंडी भी बहुत है, कुल मिला के अच्छा मौसम है यहाँ पर अभी। तो दोस्तों, मज़ा आ रहा है इतनी सारी बर्फ़ एक साथ देख के, होप आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। और ये देखिए वाटर टैब है जो बिल्कुल जम चुका है। और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे पानी पड़ा हुआ था, ये बिल्कुल बर्फ़ बन गया है। तो
बहुत ही ठंडी पड़ रही है, -10 डिग्री सेल्सियस अभी चल रहा है। और अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको कपड़ों की लेयरिंग करनी पड़ेगी, जैकेट्स वगैरह डालने पड़ेंगे मोटे मोटे। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खूबसूरत मौसम का नज़ारा यहाँ पे ले सकते हैं आके। थोड़ा सा आपको ठंड से बचने के लिए कपड़े पहनने पड़ेंगे ज़्यादा से। और अभी आप देख सकते हो पत्तियाँ पूरा जम चुकी हैं बर्फ़ से, बहुत अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे। दोस्तों अभी मैं घर जाने वाली थी और मेरा ग्लव्स यहाँ पे रह गया था, तो मैं इसे उठाने आई तो मैंने देखा ये बिल्कुल जम के पत्थर हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ठंडी यहाँ पे पड़ रही होगी। तो फिलहाल अभी मैं घर जा रही हूँ क्योंकि रुकना पॉसिबल नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और अगर आप इधर विज़िट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ लेके, तब तक के लिए बाय बाय।